देखिए, ये सामान्य रणनीति है। जो भी हमारे नेता होंगे सदन के, माननीय संजय सिंह जी हैं, वो अन्य पार्टी के नेताओं से मिलकर जो है इसके ऊपर अपनी फ्लोर मैनेजमेंट करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि इस काले अध्यादेश को, जो देश की जनतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा अपमान है, इस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले काले अध्यादेश को रोका जाए। एलजी साहब ने दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी तनख्वाह, एलजी साहब की तनख्वाह, इन सब आईएएस अफसरों की गाड़ियां, बंगले, सब इस दिल्ली के इस टैक्स पेयर के पैसे से आती हैं। जिस दिन एलजी साहब ये कह दें कि मैं उस राजभवन में नहीं रहूंगा, मैं ये गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करूंगा, मैं अपनी तनख्वाह से किराए पे एक मकान में रहूंगा, उस दिन तो नैतिक आधार है एलजी साहब के पास कि वो ये कहें कि तुम मुफ्त खोरो। मगर आज की तारीख में तो एलजी साहब भी ऐसी बहुत सी मुफ्त की सेवाओं का भोग कर रहे हैं जो उस दिल्ली वाले के टैक्स पेयर के पैसे से आता है। मेरी भी औकात नहीं है, क्योंकि मेरी तनख्वाह, मेरी गाड़ी के ड्राइवर की तनख्वाह उस दिल्ली के टैक्स पेयर की आती है। तो अगर उस दिल्ली के टैक्स पेयर को मैं या मेरी सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त देती है, तो मैं कोई एहसान कोई ना करता हूं। उनका हक है, उनका पैसा है। हाँ, उनका मेरे ऊपर जरूर एहसान है कि उनके टैक्स के पैसे से मेरा घर चलता है। आपने सवाल सर, मणिपुर में राहुल गांधी को रोका गया और राहुल गांधी का भी बयान यह है कि सरकार से कुछ हल निकल नहीं रहा। देखिए, राहुल गांधी जी को इस तरह से रोकना गलत है। कोई अपोजिशन का लीडर है, कहीं पे स्थिति खराब है, अपोजिशन पार्टीज वहां पे जाएंगी, जनता की बात सुनेंगी। जिस रूलिंग पार्टी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, आप डंडे, लाठी और बंदूक के जोर पे उस जनता के मुंह को बंद नहीं कर सकते। आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं, आप टीवी वालों का जाना बंद कर सकते हैं, मगर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो तो वहां जाएंगी, मिलेंगी।